It's been a while, guys. Welcome to Stray Artist. This is Vindir Pratap Singh. I hope you guys are fine, you guys are doing well, and I hope your families are doing great. And hamari families bhi ekdam badhiya hai, main bhi badhiya hoon, kukku bhi badhiya hai, aur life bahut achhi chal rahi hai, dosto. लेकिन मैं आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि हमारी जांसकर वाली वीडियोस के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, जिससे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया भाई, स्ट्रे आर्टिस्ट हमारा कहाँ चला गया. बहुत बहुत सारी अपोलोजीज़ आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कहानी हुई है कि हम क्यों नहीं वीडियोज़ डाल पा रहे हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा. और इसी बात को शेयर करने के लिए मैंने कहा घर पे नहीं बात करेंगे, मोटो व्लॉग करके आते हैं. थोड़ा सा मैं अपनी हमारी हिमालयन पे भी धूल जमा हो गई थी, तो जैसे आपने देखा कि मैंने उसको गैराज में से निकाला और राइड के लिए आया हूँ मैं. विंटर्स आ गए दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट टाइम है, और आपको मेरी वॉइस और मेरी टोन से पता ही लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. रीज़न है जो हमारी वीडियोज़ ना आने का आफ्टर हमारी जांसकर सीरीज़ का, वो ये था दोस्तों कि मेरा घर बन रहा है, मेरा न्यू घर बन रहा है. जो बॉम्बे से हमने होम कमिंग वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था कि हम कंटिन्यूस वीडियोस डालेंगे, तो हमारी फर्स्ट डांस करके बाद मेरे को एक और सीरीज़ हमने प्लान कर रखी थी मैंने और कोमल ने, बट अपेरेंटली हम दोनों सेकंड सीरीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारा घर का काम स्टार्ट हो गया और हमारे को फिर वहीं पर रुकना पड़ा. और उसके बारे में भी मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि एकदम काम ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हुआ और मुझे बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं मिला. और फिर काम जब होता रहा होता रहा होता रहा, उसके बाद लग गया कंस्ट्रक्शन बैन. और कंस्ट्रक्शन बैन लगने के बाद जब हमने सोचा कि हम फिर कुछ अपना प्लान आउट करेंगे, उतने दिन में ही कंस्ट्रक्शन खुल गई और फिर से काम चालू हो गया दोस्तों. तो इसके लिए अपॉलोजीज़. मैं आपको थोड़ा और अपडेट देता रहूँगा कि मेरे घर के काम में क्या स्टेटस है और मैं वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा. बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अभी थोड़े टाइम के लिए श्रेय आर्टिस्ट थोड़ा बिजी रहेगा, मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ली है, खुद बोल के लिया है, तो मैं इस चीज़ को ड्रॉप नहीं करना चाहता. क्योंकि मेरा घर बन जाएगा ना दोस्तों, तो हमारे पास शूट करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा मेरे पास, तो वो बहुत नेसेसरी है. बट उससे मैं समझता हूँ कि हमारा चैनल सफ़र करेगा, और वो कर भी रहा है थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं दोस्तों. एवरीथिंग दैट हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, एंड आई नो कि इस चीज़ से कुछ अच्छा ही लेकर हम निकलेंगे. आप सोच रहे होगे दोस्तों मैं अकेले ही राइड कर रहा हूँ. हाँ दोस्तों, मैं अकेले ही राइड कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोमल नहीं बैठी हुई है, क्योंकि कोमल का एज यूजुअल डेली आते ही शादियों में जाना चालू हो जाता है. वो फिर शादी में गई हुई है और वो थोड़ा एक दो दिन बाद आएगी, तो उसके बाद हम दोनों एक साथ में मोटो व्लॉग करेंगे. इतने दिनों के बाद दोस्तों एकदम से व्लॉग करता हूँ ना, तो थोड़ा सा फ्लो पूरा बिगड़ जाता है, मेरे को ध्यान नहीं रहता, मेरा चेन ऑफ थॉट बार बार टूट जाता है. कोमल के साथ जो मुझे एक व्लॉग बनाना है, उसमें मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमने अपने हिस्से का ईमानदारी से बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट डाला है, इतने में तो लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाता है. बट आई गेस वी हैड सम शॉर्ट कमिंग्स, तो उसके लिए ही मैं आप लोगों से जो एक डिटेल में बात कर रही हूँ, मैं कोमल के साथ करूँगा. बट मेरे को मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल की ना दोस्तों आइडेंटिटी बदलना चाह रहे हैं. फिलहाल के लिए मेरे को आपको ये बताना है कि दोस्तों घर बनाना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हमारा घर काफ़ी पुराना है हम जिसमें रहते हैं, और उसमें मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं होती शूट करने के लिए. तो जो नया घर बन जाएगा दोस्तों, उसमें मेरे पास एम्पल स्पेस होगा शूट करने के लिए, मल्टीपल रूम्स होंगे और बहुत सारी जगह होगी मेरे पास शूट करने के लिए. जो छोटी मोटी वीडियोज़ छोटी मोटी सीरीज़ हमारे को जैसे ही स्पेस मिलेगा हम उसमें डेफिनेटली शूट करके आप लोगों के लिए डालेंगे. ऐसे नाइट राइड और घर वाले व्लॉग्स में मैं आपको इंक्लूड कर सकता हूँ अपने साथ, जो घर के हमारे जो भी कहानी चल रही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एकदम शुरू से उसका लॉग रखा है घर में, जब मेरा टूटना शुरू हुआ, उसकी जब नींव डली, क्योंकि अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, मतलब मैंने अभी तक सारा अच्छे से लॉग रखा हुआ. तो अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा और आपको उसमें भी इन्वॉल्व करूँगा. मैं आपको दोस्तों प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक बार ये चीज़ ओवर होने दो, मेरे घर का काम फिनिश होने दो, देन कोमल एंड रणधीर विल डेफिनेटली शो यू हु वी रियली आर. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, अभी जो सब अपना हाथ मीच के बैठे हुए ना, और हम भी जैसे बैठे हुए ना, कि जो हमारा चल रहा है सिचुएशन, सबको पता है, हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको सबको पता है. बस इट्स नॉट फार व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इट्स नॉट फार. बहुत देर से और बहुत सालों से टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है.
टेस्ट में ही लगे पड़े हैं। कोई बात नहीं, अभी तो फाइनल टेस्ट बाकी है, अभी लगे रहेंगे दोस्तों। जब तक मिलेगा नहीं ना तब तक लगे रहेंगे, बाय गॉड प्रॉमिस करता हूँ। कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा, बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रखा है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने कितना ज़्यादा कंटेंट सोच के रखा हुआ है। रेडी आइटनरीज, रेडी डिटेल्स, अगर किसी और यूट्यूबर किसी और ब्लॉगर के हाथ में वो लग जाए ना तो उनको डायमंड की तरह वो फील होगा कि बाय गॉड हमारे खजाना हाथ लग गया, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड आइटनरीज मेरे पास पड़ी हुई हैं प्रॉपर रेडी। वो डायरी संभाल के मुझे रखनी पड़ेगी, शिजल। अच्छा लग रहा है, बाइक बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है मेरी, इतने दिन से बेचारी पड़ी रहती है बट जब भी चलती है ना मेरे को तो बहुत मज़े कराती है। बहुत अमेजिंग चल रही है, बहुत अमेजिंग, टच वुड, एकदम लाइट। हम थोड़े से हार्ट ब्रोकन भी हुए थे कि हमने जांसकर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा, बट जिस तरीके से हमारी लद्दाख स्पीति सीरीज़ चली, हमने अपना लेवल अप करा, हमने बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट मारा, बट हमारी जांसकर सीरीज़ को वैसा लव और वैसा अटेंशन नहीं मिल पाया जो कि वो डिज़र्व करती है। बट कोई बात नहीं, वो हमारे चैनल पर है, आज नहीं तो कल वो डिस्कवर हो जाएगी। जिस दिन डिस्कवर होगी, जिस दिन हमारा चैनल डिस्कवर होगा, मुझे पता है कि लोग बोलेंगे भाई तुम लोग कहाँ छुपे बैठे थे, क्योंकि अपना कंटेंट जब मैं खुद देखता हूँ ना तो मैं खुद भी कभी कभी माइंड ब्लोन हो जाता हूँ कि हाँ यार हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं है, बस वही है अभी नसीब में नहीं लिखा हुआ। दैट्स ऑल राइट। मस्त वेदर हो गया दिल्ली का यार, अपने घर आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीस रहता है मेरे को माइंड में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिल हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं अपना दिल्ली में टाइम, जब से मैं बॉम्बे को छोड़ कर आया हूँ। इवन दो मैं उस चीज़ को छोड़ आया हूँ, कभी कभी मेरे को बैड ट्रिप आता है, कभी कभी मेरे को रिग्रेट आता है, बट मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पर हूँ, मैं अपनी फैमिली को देख के खुश रहता हूँ, मेरा घर बन रहा है। And I just know, I have this feeling, I just know, I'm chasing that sensation कि जो भी फ्यूचर में चीज़ होने वाली है ना, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड whatever I'm looking for, I'm definitely going to get it, चाहे भगवान देना दे अपन छीन लेंगे। I just have that strong feeling. Whoa. थोड़ा हार्ट टू हार्ट करना था दोस्तों आपसे, इसीलिए फिर मैं आज कुछ भी प्लान नहीं किया, जो मेरे मन में आया मैंने आपसे शेयर किया। बहुत दिन हो गए थे, मैं भी मिस कर रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को बताऊं कि अभी क्या चल रहा है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हमारा स्टेटस जान के। एंड प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो दोस्तों कि चैनल अभी है कि नहीं है, ये लोग कॉन्टेंट नहीं डाल रहे हैं, कोई मजबूरी है जिस वजह से हम नहीं डाल पा रहे हैं, आप भी समझो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होगा, सब्र का फल बहुत मीठा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी एक हैप्पी वाइब फील हुई हो मेरे साथ, दिल्ली की वाइब फील हुई हो मेरे साथ एक राइड पर विंटर्स में आके अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ। Oh,